आज की अहम खबर पर नजर डालते हैं। लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। 5 मिनिटांमध्ये किती रन काढायचे, कसे काढायचे त्याबद्दल मी सर्वांची माफी मागणार, सन्माननीय व्यासपीठ। आपल्या नांदेड ही आपल्या पक्षाची संजीवनी देण्याचा एक जिल्हा आहे। पक्ष कार्यकर्ता चार्जिंगसाठी नांदेड महापालिकेचा आपण जे विजय प्राप्त केला, त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये संघर्ष यात्रा असेल, जनसंघर्ष असेल, अशोकरावजींनी, मैं हिंदी में बोलता थोड़ा क्योंकि बाकी लोगों ने मराठी में बोले, ये भी हिंदी वाले ये दूसरे अशोकराव जी भी एक के संगाते एक फ्री है, आज डरने की बात नहीं, लेकिन तुम्हारे में जज्बात आना चाहिए। क्योंकि मैंने सातों साहब से पूछा, वो बोले कोई टाली क्यों नहीं बजा रहा, मैं बोला अभी चार्ज हो रहे, अभी गर्मी आएंगी, उसके बाद जोश आएगा, और अशोक राव जी के नाम के सिवा किसी को जोश आता ही नहीं, तो मैंने बोल दिया, उस लिए बज गई टाली। अब इसके आगे भी बजते रहे ना, बाकी नेता भी बहुत दूर दूर से आए। आज के इस प्रोग्राम में जो हिंदुस्तान के अंदर 5 चुनाव हुए, 5 चुनाव में 3 चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीती, और आज औरंगाबाद से लेके तो नांदेड़ से लेके तो कोल्हापुर, सातारा, सांगली, जलगांव, मराठवाड़ा से लेके विदर्भ, खानदेश, बंबई, यहां सब जगहों कांग्रेस के कार्यकर्ता में एक नया जज्बात आया है, एक नई सैलाब आई है, और सारे महाराष्ट्र को लगता है कि राजस्थान में एक अशोक राव जी की ताजपोशी हो चुकी है, दूसरे अशोक राव जी की बाकी है, और वो टाली बजाने से नहीं होगा, उसके लिए मतदान लाना होगा, और वो लाने का काम आप सबको करना है। क्योंकि नेताओं का भाषण सुनने से पहले 5 मिनट मिले हैं, वो 5 मिनट में मैंने आपको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, मेरा भी जरा डोका थोड़ा हैंग हो जा रहा है, मजबूरी है। एक तो दो अशोक राव, एक से हम बिल्कुल हाथाजी घड़ी तोड़ावर बोर्ड है, अब दो आ गए तो और डर लग रहा है। नहीं, हमारे सबको, मुझे कम लग रहा, आपको ज्यादा लग रहा होगा। तो उसकी वजह यह है कि आज पूरे देश भर में राहुल जी के बारे में जो जय जयकार चल रहा है, मोदी जी को जो चैलेंज किया है मैंने, नहीं राज ठाकरे साहब ने, कि आप बेशर्मी जैसी बात मत करो, राहुल जी को परम पूज्य बोलिए, तो इस तरह से आप परम पूज्य आ गए हैं अपने, और उसकी पहली झलक आपको देखने को मिल रही है। वो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जो एक अच्छे प्लानर, एक अच्छी पॉलिसी, नौजवानों के लिए एक नई ताकत, बुजुर्गों के लिए एक अच्छा नेता, 3 बार जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग प्रभागों के, अलग अलग विभागों के, अलग अलग राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं, वो अगर राजस्थान में भी रहेंगे तो उनकी दुआएं हमारे महाराष्ट्र के हर गरीब के, हर दोस्त के, हर कांग्रेस के साथियों के साथ रहेंगी, और वो जब तक रहेंगी तब तक एक अशोक राव जी का काम हो गया, दूसरे अशोक राव जी का काम होना बाकी है। पर भाभी, मेरा भी थोड़ा तुम्हारे खत में हमारा सलाम कर देना, नहीं तो ऐसा नहीं फिर वही दिल्ला है। क्योंकि सातों जी बैठे हैं यहाँ, हमारे औरंगाबाद में भी अशोक राव जी ने जो जनसंघर्ष यात्रा लाई उसमें हजारों कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंकी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जितना यूथ कांग्रेस होंगी, महिला कांग्रेस होंगी, कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी होंगे, और जिला कांग्रेस कमेटी को भी हमको हिदायत दी कि आप भी आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ये सरकार है, जो सरकार का डोका, जो उनका दिमाग हैंग हो गया, वो हैंग ऐसा बता रहा हूं जैसा मार्च एंड में, आपको समझता हूंगा, मार्च एंड अभी आ रहा है अनकरीब, तो मार्च एंड में एक आधे ग्राम सेवक का दिमाग वसूली के लिए जो उसको टारगेट दिया जाता है उसके लिए हैंग हो जाता है, और वो हैंग होने के बाद में सातारा जिले के कलेक्टर थे, उनका एक वहां का जो ग्राम सेवक था, वो बार बार जब मीटिंग में जा रहा है, कलेक्टर उसको हर एक बार अपना अपना टारगेट देते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। उसने बोला, साहब मेरे पीछे इतना काम रहता है कि मैं दिन भर काम करने के बाद मेरी वसूली, मेरे को जो टारगेट दिया वो टारगेट,
ये पूरा करने के बाद मैं घर को जाता हूँ तो मेरी बीवी के सामने जाना पड़ता है, उसके पास गया तो वो अलग नाराज होती है, और वो नाराज इसलिए होती है कि इसका दिमाग में वहां की ताल रहती है, वहां की मेल रहती है, वो गांव में जो देहात के अंदर वो ग्राम सेवक है उसका टारगेट तो इसके बारे में उसको पूछा गया कि आपको क्या तकलीफ है, वो बोले साहब मैं इतना परेशान हूँ कि वो परेशानी की वजह से मेरे और मेरी बीवी के बीच में बहुत संबंध खराब हो रहे हैं, आप टारगेट देते हैं आपके अंदर मेरा टाइम पास हो जाता है। तो उसने बोला इतनी अच्छी बात के लिए इतना परेशान है, उसके लिए एक सारे ग्राम सेवकों की मीटिंग बुलाई कलेक्टर जी ने, और मीटिंग बुला के ये बताया कि जिसको भी जो जो प्रॉब्लम होता है उसने, मैं मराठी में बोलू थोड़ा मराठी के अंदर उसका अच्छे शब्द रखते, तर त्यांनी सांगितलं का आपल्या या ज्या ग्राम सेवकाच्या बद्दल कलेक्टर ने ट्रेनिंग दिली आणि कलेक्टर ने सांगितलं त्यांना का आपण ज्या पद्धतीने काम करता त्याच्यामध्ये थोडा बदल करा, आणि बदल असा करा का तुम्ही घरी गेल्यानंतर तुम्हाला जो ताण येतो, तुमचा डोका जो हँग होतो तो जरा दूर होईल, गेल्या गेल्या विनोद खन्ना सारखा आपल्या बायको सोबत जायचा, त्याच्यासोबत हसून बोलायचा, तो बायको थोडंफार खुश होऊन जाईल। म्हण काय हे गडीला जी ट्रेनिंग दिली कलेक्टर मोजायनी, हे साताऱ्याचे त्या तालुक्याचे आमच्या पृथ्वीराज बाबाच्या मतदारसंघामधल्या एक गावाचे ते ग्रामसेवक होते, त्या ग्रामसेवकांनी ही सर्व परिस्थिती जी ट्रेनिंग कलेक्टर मोजायनी दिली त्या पद्धतीने घरामध्ये गेला आणि बायकोला विचारलं का भाई आता आज जेवण घेऊन तयार आहे, त्यांनी सांगितलं तयार आहे, नसलं तरी तयार बोलावंच लागतं कारण की पतिदेव आपला देवाचा रूप असतो, बाहेरून आला मग त्याला जेवण मागितलं, जेवण दिलं, त्यांनी जेवण केलं आणि जेवण केल्यानंतर सांगितलं काय सुंदर जेवण बनवलं, बायकोला वाटलं आज काय घडी इतका खुश आहे सुंदर जेवण बनवलं, ले तारीफ करू लागला। मग दुसऱ्या वेळेस त्याला सांगितलं का मी तुम्हाला, मराठी माणसाचे असं असतं का भया भी फार तेज असतात, आमच्या भगिनी इथे बसलेल्या तुम्हाला मी बोलत बरं मी तिकडे बोललो का ते परत मला शिव्या देते, तर त्याने सांगितलं अरे मेल्या तुला मी जीवनभर जेवण दिलं कधी माझी इतका कौतुक नाही केला, आज शेजारच्या घरामधून वाटीभर तुला तो ले तारीफ करू लागला, आला परेशानी अरे घडी त्याची तर झाली परेशानी, तर बायको एकदम चिडली, मग ते नंतर परत कलेक्टरकडे गेला, ते कलेक्टर साहब मेरा तो उल्टा हो गया, तो मैंने जो तारीफ की वो तारीफ के बदले में मेरी बीवी मेरे पे बहुत चिढ़ गई, बहुत गुस्से में आ गई। तो उस कलेक्टर जी ने बोला आपने वो जिस कटोरी में आपको भाजी दी थी वो भाजी देखना का कटोरी अपनी है कि बाजू के घर की है, तो वैसा खेल होगा ये सरकार का, ये भिकार चोट सरकार महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों को बदलना है, इसके लिए आपको हमको सारे लोगों को एक चार्ज होके जाना है यहाँ से, मैं औरंगाबाद जाऊंगा, औरंगाबाद में मैं भी आपको अशोक राव जी के सामने गवाही देता हूँ कि मेरे सर पे अगर बाल लाना होगे तो मुझे खासदार चुन के लाना होगा, खासदार चुन के ही लाया तो ये बाल कितने दिन विधानसभा में ऐसे रहेंगे उसका कोई अंदाजा नहीं, विधानसभा आने वाली है उसमें कोई शक नहीं, अशोक राव जी मुख्यमंत्री भी बनने वाले उसमें भी शक नहीं, सिर्फ सवाल मेरा गरीब का है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बड़े नेता बोलने वाले, मैं और भी आऊंगा, मुझे बहुत अच्छी तरह से आपसे बात करना थी बोलना था, पर मैं जब अशोक राव जी का ऐसा चेहरा देख लिया समझ जाना सत्तार तेरा टाइम खत्म हो गया। धन्यवाद, आदाब, सलाम, राम राम, जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।